फॉरेन फंडिंग केस की जो प्रोसीडिंग्स होती रही इलेक्शन पाकिस्तान में, जाहिर है फिर आपने इसका हिस्सा रहे होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि इसको चीफ इस बेंच को प्रेजाइड करते थे और मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ था, तो मैं इन प्रोसीडिंग्स में मोस्टली पिछले एक साल में तो मैं इन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा मैं बिल्कुल रहा हूँ। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन प्रोसीडिंग्स के हवाले से? सुबह कोई जजमेंट आने जा रहा है, कोई फाइनल जजमेंट आने जा रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से या कुछ और है? देखें जी, इसमें जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई के जो अकाउंट्स वगैरह उसको स्क्रूटनाइज किया, उसने अपनी एक रिपोर्ट जमा कराई थी जी। उस रिपोर्ट पे उसने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा कराई, कमीशन के सामने उसकी दोबारा से प्रोसीडिंग शुरू हुई। उस रिपोर्ट पे जो जो ऑब्जेक्शन थे दोनों साइड्स के, उन्होंने वो इनवाइट किए और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने उस स्क्रूटनी रिपोर्ट पे जो है मेरी नाकिस राय के मुताबिक अपना हतमी फैसला देना है। क्या वो स्क्रूटनी रिपोर्ट से एग्री कर रही है या डिसएग्री कर रही है, मेरी राय में इलेक्शन कमीशन कल ये डिसीजन जो है वो देगा कि वो उसे इतफाक करती है इख्तलाफ करती है। अगर वो इतफाक करती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी नजर में, और अगर इख्तलाफ करती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी नजर में? इसमें क्योंकि ये पीपीओ 2002 के तहत जो है ये कार्रवाई सारी की गई थी, जब ये शुरू हुआ था उस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 का जो था वो नहीं आया हुआ था, तो उसके तहत और उसके रूल्स के तहत अगर तो इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचती है कि स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स जो है वो बिल्कुल ठीक दी हैं, तो उस सूरत में वो एज पर द लॉ वो पीटीआई को शो कॉज इशू करेगी और उस पे शो कॉज पे वो पीटीआई नेचुरली फिर जवाब देगी और उसके बाद फिर अपना हतमी फैसला जो है ऑन प्रोहिबिटेड फंडिंग करेगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी शो कॉज नोटिस एट मैक्स इशू हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से इलेक्शन कमीशन जो है वो इत्तफाक करे तो? मेरी इसमें राय यही है। इनफैक्ट ये जो इसके बीच में हाई कोर्ट में भी ये चैलेंज होते रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्डर्स, पीटीआई मोस्टली पीटीआई लेके जाती रही है, तो लास्ट जो आईसीए जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब के सामने था, उसमें भी ही इसी किस्म की ही डिस्कशन हुई थी, जब ये ऑब्जर्व भी किया गया था कि इसको फॉरेन फंडिंग की जगह इसकी इसको प्रोहिबिटेड यानी ममनुआ फंडिंग जो है वो करार दिया जाए। अगर स्क्रूटनी कमेटी सॉरी आप कंप्लीट कर लें बात अपनी पहले प्लीज। और उसी के दौरान उसी का जो वो फैसला था उसके दौरान उन्होंने दोनों पार्टीज ने ये इस बात पे एग्री किया था, एग्री तो नहीं मेरा मतलब ये एक बात थी कि जी ये अगर तो मैक्सिमम जो इसमें इलेक्शन कमीशन करेगी वो इसमें उसको शो कॉज नोटिस इशू करेगी, बिकॉज उस वक्त बड़ी हाइप बनी हुई थी कि जी ये पार्टी बैन हो रही है, इसको पार्टी को बैन हो जाना चाहिए। लेकिन शो कॉज तो बैरिस्टर साहब, शो कॉज तो किसी भी प्रोसीडिंग का आगाज होता है ना, शो कॉज नोटिस के बाद फिर वो कार्रवाई आगे चलती है और उसके बाद फिर किसी कार्रवाई होने के बाद फिर किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा जाता है। लेकिन मेरे पास ये जो रोस्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इशू हुआ है उसमें लिखा हुआ है फॉर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। एक्चुअली इसमें इलेक्शन कमीशन जो है सिंस इसने ये अपना रिजर्व किया था इस पे, तो इस पे उसने नेचुरली कुछ ना कुछ कमीशन के तीन मेंबर्स सुन रहे हैं, उन्होंने इसको अनाउंस तो करना है, उसको आप ऑर्डर भी कह सकते हैं, उसको आप जजमेंट भी कह सकते हैं। मैं एक आपको इनका अगर आप इजाजत दें तो 14/6 यानी कि 14 जून 2022 को आईसीए में इंट्रा कोर्ट अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसमें उन्होंने ये लिखा था, उसके पैराग्राफ जो है वो 3 में मेंशन्ड है कि दैट द कमीशन हैज येट टू कंसीडर वेदर अ केस इज मेड आउट फॉर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस कॉन्टेम्प्लेटेड अंडर रूल 6 ऑफ द रूल्स। ये कब का ऑर्डर आप कह रहे हैं? ये 14/6/2022 का पीटीआई ने एक प्रिलिमिनरी ऑर्डर के अगेंस्ट रिट में गई थी, वो रिट उनकी डिसमिस हुई, फिर वो अपील में आईसीए में गई, तो आईसीए में वहां पे दोनों पार्टीज ने जो है वो आर्ग्यूमेंट्स किए थे और उसमें ये ऑब्जर्व हुआ था कि जी ये प्रोसीडिंग्स जो हैं इसके बाद कमीशन अगर ये मुतमईन होती है तो इसमें वो उसको शो कॉज इशू करेगी, फिर पीटीआई जवाब देगी और फिर अगर वो
उसके बावजूद भी उसके जवाब से मुतमिन ना हुआ तो इसमें हतमी फैसला जो है वो देगा।